अपराध वन मंडल 4 का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। आज इस अवसर पर हम सबको मैं आग्रह करना चाहूंगा मनोहर जी शर्मा, मनोहर सिंह पूर्व विधायक श्री विद्यासागर जी, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री मुकेश जी शर्मा, श्री कौशल किशोर जी और मंडल अध्यक्ष श्री राम सेवक जी द्विवेदी, पार्षद श्री नरेंद्र शर्मा, यहाँ उपस्थित रहे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं ने और आप जैसे सारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो करिश्माई काम किया है, उसी के परिणाम स्वरूप इस देश में पहली बार गैर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। पहली बार आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है। मैं भी अपनी तरफ से सारे कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां तक देश की परिस्थितियों का प्रश्न है, समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी जानकारी बराबर आप सबको होती होगी, इसलिए कोई बहुत विस्तार में जाकर चर्चा में नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो 16 महीने का यह समय गुजरा है हमारी केंद्र में सरकार बने, इन 16 महीनों में हो सकता है किसी काम को लेकर कोई कहे कि यह काम अधिक हुआ है या काम कम हुआ है, इस पर तो कोई विवाद कर सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं खड़ा कर सकता कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी ने किया है तो कल्याणकारी योजनाओं का जहां तक प्रश्न है, इसका एहसास धीरे धीरे लोगों को होना प्रारंभ हो गया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के 99.7% से अधिक परिवारों को बैंकों के साथ जोड़ा जा चुका है, उनके बैंकों में खाते खुल गए। नहीं तो केवल 40% ऐसे परिवार पूरे हिंदुस्तान के थे जिनकी पहुंच बैंकों तक होती, लेकिन हमारी सरकार ने 99.7% परिवारों को बैंकों के साथ जोड़ दिया। बैंकों के साथ जोड़े जाने का लाभ क्या होगा? कोई भी सब्सिडी हो, कोई भी राहत हो, जो पहले बच्चों का स्कॉलरशिप हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, जो आधी अधूरी लोगों के पास बिचौलियों के माध्यम से पहुंचती थी, अब वह बिचौलियों के माध्यम से नहीं पहुंचेगी बल्कि सीधे दिल्ली के बैंक खाते से निकलेगी और आपके मोहल्ले में जो आपका बैंक है उस बैंक के खाते में पहुंच जाएगी। इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था पहली बार भारत के इतिहास में हुई। 1 रुपया महीना जमा करके अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपका 2 लाख आप 1 लाख अटल पेंशन योजना के अंदर 1 रुपया प्रतिमाह यदि आप जमा करते हैं तो उसका परिणाम यह होगा 40 वर्ष तक आप जमा कर सकते हैं और उसके बाद 60 वर्ष की आपकी आयु पूरी होने पर आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध होगी। इसी ने मैंने कहा कि इन सब सारी चीजों के परिणाम बाद में लोगों को देखने को मिलेंगे। दुर्घटना बीमा योजना, वैसे ही हम लोगों ने दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की है, इसमें भी महीने में 1 रुपया केवल जमा करना है, महीने में केवल 1 रुपया, 1 साल में 12 रुपये जमा करने के बाद आपका 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा पक्का हो जाएगा। और यदि कोई विकलांग हो जाता है और उसका यदि बीमा हुआ है तो उसको कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि बीमा कंपनी के द्वारा मिलेगी, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की। 330 रुपया प्रतिवर्ष जमा करने के बाद 2 लाख रुपए का आपका जीवन बीमा यह पक्का हो जाएगा।
सब सारी योजनाएं हम लोगों ने इसलिए प्रारंभ की, हम लंबे समय तक हिंदुस्तान की जनता को ऐसे हालात में बनाकर नहीं रखना चाहते कि छोटी मोटी मदद के लिए बराबर सरकार की तरफ और चपकनी लगाकर देखता है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, वह अपने पैरों पर खड़ा हो। इसीलिए हम लोगों ने यह सब सारी योजनाएं प्रारंभ की, जैसे ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, इक्के चलाने वाले, यानी छोटा मोटा कारोबार करने वाले, उसके लिए मुद्रा बैंक की स्थापना कर दी, यानी 50,000 रुपए तक केवल 1% ब्याज दर पर बिना किसी सिक्योरिटी के आपको कर्ज उपलब्ध हो सकता है। यह पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी तरह 1% ब्याज 50,000 रुपए तक की धनराशि प्राप्त हो सकती है। आज बेचारा फल की दुकान लगाने वाला किसी महाजन से 4,000-5,000 रुपया लेता है, कमाई करने के बाद शाम को जाकर उसे 100-200 रुपया जमा करना पड़ता है, लेकिन यदि बैंक से भी उसको पैसा मिल जाता है तो उसका यह परिणाम होगा कि वह धीरे धीरे स्वावलंबी बन जाएगा और ये 1% ब्याज दर कोई यह बड़ी राशि नहीं होगी, बहुत ही आराम से दे सकता है, यानी 4-6 वर्षों में वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी का कर्ज लेने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, मैं सारी योजनाओं की यहां पर जाकर चर्चा नहीं करना चाहता। जहां तक लखनऊ महानगर का प्रश्न है, लखनऊ महानगर में भी जो भी सांसद निधि आती है उसका उपयोग हमारे श्री दिवाकर जी त्रिपाठी के माध्यम से यहां ठीक तरीके से हो रहा है, समय समय पर मैं भी इसे देखता रहता हूं। और केवल सांसद निधि नहीं, सांसद निधि से नहीं करता हूं तो कुछ ना होगा। मैंने जो CSR की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी बैंक को, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, किसी न किसी को मैं कह देता हूं तो कुछ ना कुछ पैसा आ जाता है, जिससे सांसद निधि के अतिरिक्त भी लखनऊ महानगर में काम हो रहे हैं, लेकिन इतने काम जो अब तक हुए हैं शायद न होगा। बड़े कामों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है कि मैं इस समय कह सकता हूं कि जो काम स्वीकृत हुए हैं वह लगभग 4,500-5,000 करोड़ रुपए से अधिक के होंगे, जो कि काम स्वीकृत हुए मैंने लखनऊ के इतिहास में एक रिकॉर्ड ले लिया। अब जैसे रिंग रोड 105 किलोमीटर बननी है, अब उसका सर्वे वगैरह का काम भी सब सारा चल रहा है, और कल मैं दिवाकर त्रिपाठी जी से बात कर रहा था कब तक उसकी DPR बन जाएगी, उन्होंने कहा कि नवंबर तक या 15 दिसंबर तक उसकी DPR बन जाएगी, और उसके बाद यहां से प्रस्ताव जाने के बाद भारत सरकार की कैबिनेट में उसे पास किया जाएगा, उसके बाद टेंडर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि 8-10 महीने के अंदर ही इस सड़क के बनने का भी काम, रिंग रोड बनने का भी काम प्रारंभ हो जाए, सीवर वगैरह की व्यवस्थाएं होने की। एक काम और मैं सोच रहा हूं, अभी तक उसे पूरा करने के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन उस संबंध में बातचीत चल रही है। हमारी कोशिश यह है कि कम से कम यहां पर अधिकांश लोगों के घर में जहां पर भी LPG गैस सिलेंडर के माध्यम से खाना बनता है, उन्हें गैस सिलेंडर खरीदने की जरूरत न हो बल्कि पाइप के माध्यम से गैस उनके घरों में पहुंच जाए, ताकि वह गैस सिलेंडर खरीदे कि नौबत ना आवे, नहीं तो जाकर 10-10 दिन 15-15 दिन गैस सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती। एक लखनऊ के लिए नई चीज, उसी तरीके से 500 यहां पर सोलर लाइट ये स्वीकृत हो गई। और मैंने अध्यक्ष जी को भी कहा था और दिवाकर जी भी इस संबंध में कि जहां कहां कहां लाइट लगानी है कार्यकर्ताओं से वह स्थान का चयन करा लें और उसकी सूची ले लें, ताकि वहां पर सोलर लाइट लगने का भी काम प्रारंभ हो जाए। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विकास का कार्य यहां पर तेजी के साथ चल रहा है। महीने में प्रायः मैं यहां पर आता ही रहता और कार्यकर्ताओं से, जनता से बराबर मेरी मुलाकात होती ही रहती। वैसे पहले जैसा मैंने कहा,
कहा था कि विधानसभा स्तर पर मैं कार्यकर्ताओं से पहले मिलूंगा। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता स्तर पर कार्यक्रम करने के बाद मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने कहा कि विधानसभा स्तर पर ही नहीं बल्कि मैं मंडल स्तर पर जाना चाहूंगा और कार्यकर्ताओं से मैं मिलना चाहूंगा और मंडल स्तर पर अब कार्यकर्ताओं से मैं मिल रहा हूं और शायद 6-7 और मंडल बचे होंगे नहीं तो सारे मंडलों में मेरा जाना अब हो चुका है। आज समय नहीं था फिर भी मैंने कहा कि कम से कम एक मंडल का कार्यक्रम रख लो क्योंकि आज 65 देशों के जजेज आ रहे हैं और उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में मुझे मौजूद रहना है। इसमें थोड़ी जल्दबाजी थी फिर भी मैंने कहा कि कार्यक्रम तय करिए मैं जाऊंगा कार्यकर्ताओं से एक बार मिलने जुलने के बाद तब फिर मैं वहां पर वापस लौटूंगा। आप सब लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई है और समय समय पर बीच में आता रहता हूँ। आप सब लोगों से भेंट होती रहनी चाहिए बस इतना ही कहते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।